नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स ए पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे। कृतिका का पहला पाठ है माता का आंचल। पाठ का नाम है माता का आंचल। शिव पूजन सहाय ने ये पाठ लिखा है। लेखक का नाम क्या है? शिव पूजन सहाय। इन्होंने अपने बारे में लिखा है। मैं आपको पाठ का सार बता रही हूँ। माता का आंचल पाठ में लेखक शिव पूजन सहाय ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है। लेखक जब बालक था तब सुबह उठते ही वह अपने पिता के साथ पूजा में बैठता था। पिता ही उसे नहलाते थे तथा उसके माथे पर तिलक और बभूत लगाया करते थे। वे उसे भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक अपने पिता को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारता था। पिताजी रामायण का पाठ करते तथा अपनी राम नामा बही में हजार बार राम नाम लिखते। फिर कागज के टुकड़ों को पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे और गंगा की ओर चल देते थे। वे उन गोलियों को मछलियों को खिलाया करते थे। पिता भोलानाथ को अपने कंधों पर बिठाकर कभी कभी पेड़ों पर झुलाते थे। लेखक के पिता उसको कुश्ती भी लड़ा करते थे। वे जानबूझकर हारने का नाटक करते थे। वे जानबूझकर हार जाते थे उनसे और लेखक बहुत खुश होता था जब पिताजी वो हरा देते थे। लेखक पिता को हराकर उनकी छाती पर चढ़ जाया करता था और उसकी मूछें उखाड़ने लगता तो पिता झूठ मूठ रोने का नाटक करते थे। लेखक अपने पिताजी के साथ बैठकर भोजन किया करता था। जब उसका पेट भर जाता तो उसकी माँ भी उसे दही भात खिलाया करती थी। माँ उसके सिर पर तेल लगाकर चोटी किया करती थी, काजल लगाती थी और टोपी कुर्ता पहनाती थी। लेखक अपनी माँ के चुंगल से छूटने पर अपने साथियों के झुंड के साथ खेलने लगता। उनके खेल नाटकों जैसे होते थे। वे एक चबूतरे पर मिठाई की दुकान सजाते, ढेले पत्ते गीली मिट्टी आदि से मिठाइयां बनती थी। कभी कभी बाबूजी भी इन खेलों में शामिल हुआ करते थे। कभी घरौंदा बनाया जाता, घरौंदा का अर्थ होता है घर बनाते थे। कभी दावत तैयार करने का नाटक होता, पंगत बैठी, पंगत मतलब पंक्ति में बैठी, जिसके अंत में उनके पिताजी भी जीमने आते। उन्हें देखकर सब हंस पड़ते और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते। कभी बरात निकालने का नाटक भी होता, जिसमें कनस्तर का तंबूरा, चूहेदानी की पालकी बनती। कभी कभी खेती करने का भी नाटक किया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचते, कंकड़ के बीज बनाए जाते, मिट्टी के दिए के तराजू बनाकर फसल तोली जाती। कभी बच्चे किसी को चढ़ाते। एक बार घोड़े के मुंह जैसे बूढ़े बर ने उन्हें दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। कभी बच्चे आम की फसल के समय आंधी आने पर जब आम झड़ते तो वे उन्हें चुनते। एक बार बच्चों को मुसन तिवारी, जो एक मुसन नाम का तिवारी है, वो अंधा था तो बच्चे उनको चढ़ाया करते थे। बैजू ने उसे चढ़ाया, बच्चों ने भी बैजू का साथ दिया। सारे बच्चे मिलके एक लय में गाने लगे और मुसन तिवारी को गुस्सा आ गया। वह बच्चों के पीछे पड़ गया। बच्चे भाग गए और मुसन तिवारी ने पाठशाला में जाकर चूहों के बिल में उलझना शुरू कर दिया। तभी वहां एक सांप निकल आया। बच्चे डर कर भागे, कईयों को चोटें आई। लेखक दौड़ते दौड़ते घर में घुसा और सीधे अपनी माँ की गोद में जा छिपा।
माँ ने हल्दी पीस कर उसके घावों पर लगाई। वह कांप रहा था। बाबूजी ने अब उसे अपनी गोद में लेना चाहा, पर लेखक ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा। अब देखिए कार्यपत्रक में आपने कौन कौन से प्रश्न करने हैं। नंबर एक, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि माँ भोलानाथ को कन्हैया कैसे बनाती थी। पिताजी लेखक को भोलानाथ कहकर क्यों पुकारा करते थे। लेखक और बाबूजी की कुश्ती किस प्रकार की होती थी। लेखक बचपन में अपने साथियों के साथ मिठाई की दुकान लगाने का नाटक किस प्रकार किया करते थे। धन्यवाद बच्चों।